Now next C program reverse the all element of given array. इस previous case में जस्ट मैंने perform कराया था, मिस array के सारे element जस्ट reverse order में display कराए थे, ना कि reverse operations. लेकिन इस case में actually perform क्या कराना है, मिस array के अंदर original places पर सारे के सारे elements को लिए reverse operations provide करना. For example, suppose that अगर आपके पास कोई array available है तो maximum size is 100. इस केस में टोटल लोकेशंस कितने अप टू 100. अगर फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 है देन 1 2 3 4 5 एंड सो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहेगा इस केस में अगर साइज 100 है देन 99. लेकिन लॉजिकली एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने मैनेज करेंगे एग्जैक्टली n एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल अगर n का वैल्यू ने 5 एंटर किया देन एरे का लॉजिकली साइज कंसीडर करेंगे एज ऑफ 5. अगर n का वैल्यू 7 है देन एरे के अंदर लॉजिकली कितने एलिमेंट्स मैनेज करेंगे ओनली 7 एलिमेंट्स. तो n क्या इस केस में लॉजिकल साइज जबकि मैक्सिमम साइज और फिजिकल साइज क्या जस्ट 100. क्लियर लाइक दैट. फाइनली इसके अंदर लॉजिकली आप कंसीडर करोगे साइज ऑफ एरे इज n का वैल्यू 5 तो मींस लॉजिकली ओनली एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स ओनली 5 एलिमेंट्स. 5 एलिमेंट्स के बाद देन सपोज दैट एरे के केस में वैल्यू एंटर किया 10 20 30 40, 50. इस टाइप से आपके पास कोई एरे गिवन है इस केस में एन का वैल्यू किया है 5 जस्ट परफॉर्म क्या कराना रिवर्स ऑपरेशन. तो रिवर्स ऑपरेशंस के लिए जस्ट आप परफॉर्म क्या कराओगे रिवर्स के बाद जस्ट एक्सपेक्टेड एलिमेंट्स क्या होंगे 10 के प्लेस पर क्या आएगा लास्ट एलिमेंट. सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा सॉरी डिस्प्ले नहीं कराना रिवर्स करने से फर्स्ट 0 इंडेक्स में सबसे पहले क्या आएगा 50 देन नेक्स्ट एलिमेंट 40 देन एक्सपेक्टेड एलिमेंट क्या 30 देन 20 देन 10. मींस रिवर्स ऑपरेशन के बाद रिवर्स ऑपरेशन से पहले जो फर्स्ट एलिमेंट था वो क्या बन जाएगा लास्ट एलिमेंट जो लास्ट था वो क्या बन जाएगा फर्स्ट एलिमेंट. तो इस केस में जस्ट बेसिक लॉजिक्स क्या सिंपल इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराना आपको स्वैपिंग ऑपरेशंस. सबसे पहले परफॉर्म क्या कराओगे मींस फर्स्ट वन इस केस में इंडेक्स क्या है सबसे पहले 0 इंडेक्स का एलिमेंट लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट के साथ स्वैप कराओगे. 0 इंडेक्स में क्या 10 तो 10 के प्लेस पर क्या जाएगा 50 एंड 50 के प्लेस पर क्या जाएगा जस्ट 10. नेक्स्ट टाइम अगेन सेम ऑपरेशन 1 इंडेक्स का एलिमेंट स्वैप किसके साथ होगा सेकंड लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या इस केस में 3 तो देन 1 इंडेक्स का स्वैपिंग किसके साथ होगा थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट के साथ मींस 20 के प्लेस पर क्या जाएगा 40 एंड 40 के प्लेस पर क्या जाएगा जस्ट 20. इसके जस्ट बाद ओनली सिंगल एलिमेंट बचता तो सिंगल एलिमेंट के लिए कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने की नीड है क्या नहीं. तो इस केस में जस्ट आपको स्वैपिंग के लिए एरे के सारे एलिमेंट विजिट करना लेकिन एलिमेंट आप लेफ्ट टू राइट भी विजिट करें सेम टाइम पर राइट टू लेफ्ट टू विजिट करनी नीड क्या लेफ्ट टू राइट मीन्स 0 देन 1 देन 2 देन 3 लाइक दैट. सेम है राइट टू लेफ्ट मीन्स एन देन एन माइनस 1 देन एन माइनस 2 इस केस में एन का वैल्यू 5 है देन मीन्स 4 एंड 3 देन 2 लाइक दैट. इस टाइप से आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने की नीड है. तो फाइनली इस केस में इंडेक्स वैल्यूज कितनी मैनेज करना 2 फर्स्ट टाइम लेफ्ट टू राइट मैनेज करने के लिए यूज करेंगे इटरेटिव वेरिएबल आई एंड राइट टू लेफ्ट इंडेक्स मैनेज करने के लिए यूज करेंगे इटरेटिव वेरिएबल जे. इस केस में जस्ट लॉजिक्स परफॉर्म करने के लिए आई में इनिशियलाइजेशन की सोरा 0 से एंड जे में इनिशियलाइजेशन की सोरा 4 से अगर एन का वैल्यू 5 है मींस फाइनल स्पेस पर 4 ना राइट करके 4 के प्लेस पर क्या राइट होंगे एन माइनस 1. एवरी टाइम लूप के अंदर आई चेक करो आई इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा देन आई के लिए क्या परफॉर्म कराओगे आई प्लस प्लस जे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो करा इसलिए जे के लिए क्या परफॉर्म कराएं जस्ट जे माइनस माइनस प्लस. ये ऑपरेशन कब तक हैं जब तक आई का वैल्यू फर्स्ट टू केसेस में आई का वैल्यू जे के वैल्यू से छोटा है नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू भी 2 हो जाएगा और जे का वैल्यू भी 2 हो जाएगा देन आपको रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कराने की जरूरत नहीं. तो इस केस में कंडीशन क्या बन जाएगी जब तक आई का वैल्यू जे से छोटा है प्लस एवरी टाइम ए ऑफ आई के एलिमेंट को स्वैप किसके सॉरी स्वैप किसके साथ कराओगे ए ऑफ जे थे एलिमेंट. क्लियर फाइनली इस ऑपरेशन को मैं सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शन में परफॉर्म करा रहा हूँ. जब भी इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कराओ इस केस में आप यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल करोगे समथिंग रिवर्स और रिवर्स के अंदर वो एरे पास करो जिस एरे के एलिमेंट रिवर्स करना चाहते हो प्लस साइज ऑफ एरे करंटली एन के प्लेस पर क्या पास होगा एन का वैल्यू 5 लाइक दैट. इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न कराने की नीड नहीं इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे वॉइड फंक्शन नेम वी आर यूजिंग एज रिवर्स. नेक्स्ट टाइम फंक्शन के अंदर इनपुट में क्या पास हो रहा है बेस एड्रेस ऑफ रिवर्स्ड एरे देन साइज ऑफ एरे. इसके अलावा एरे के अंदर 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज क्रिएट करें आई एंड जे प्लस इसमें परफॉर्म क्या हो रहा है एवरी टाइम स्वैप ऑपरेशन. आपको पता होना चाहिए स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए एवरी टाइम रिक्वायरमेंट किसकी होती है थर्ड वेरिएबल. तो थर्ड वेरिएबल किस टाइप यूज करोगे हम टेम्परेरी वेरिएबल टी कॉमा आई कॉमा जे देन लूप के केस में जब लूप चलाओगे तो लूप के अंदर आई का इनिशियलाइजेशन किस हो रहा है जस्ट आई इक्वल्स टू 0
कॉमा जे के केस में जे का इनिशियलाइजेशन किससे हो रहा है, जे इक्वल्स टू फोर और जे इक्वल्स टू एन माइनस वन, जे इक्वल्स टू एन माइनस वन। देन कंडीशन, कंडीशन में क्या कंडीशन आएगा, जस्ट आई लेस देन जे, इसे जो ऑपरेशन स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के लिए परफॉर्म करा थे सेम ऑपरेशन इस केस में, ओनली डिफरेंस क्या है स्ट्रिंग के केस में टर्मिनेशन कंडीशन क्या था नल, तो उस केस में आपको पहले लेंथ काउंट करने की जरूरत थी, लेकिन इस केस में आपको लेंथ काउंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेंथ ऑलरेडी एन में स्टोर्ड है, क्लियर, इसलिए डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन करना पॉसिबल है। देन आई के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम क्या परफॉर्म हुआ आई प्लस प्लस, जे के रिस्पेक्ट में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है इसलिए जे के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ जे माइनस माइनस, क्लियर। देन इस लूप के अंदर एवरी टाइम ए ऑफ आई थे एलिमेंट रिवर्स किसके स्वैप किसके साथ होगा ए ऑफ जे थे एलिमेंट, तो सबसे स्वैपिंग कराने के लिए यूज क्या करते हैं टी इक्वल्स टू ए ऑफ आई, सबसे पहले ए ऑफ आई का वैल्यू मीन्स फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्लेस पर क्या जस्ट 10, एक सिंगल केस में आपको ऑपरेट करके बता रहा हूँ, इस केस में लास्ट एलिमेंट क्या था 50, तो स्वैप के बाद फर्स्ट प्लेस पर क्या आना चाहिए, इस प्लेस का नेम क्या ए ऑफ जीरो, फर्स्ट प्लेस पर एक्सपेक्टेड क्या 50 और लास्ट प्लेस पर एक्सपेक्टेड क्या जस्ट 10, तो इस केस में एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट हुआ टी, तो टी के केस में जस्ट वैल्यू क्या आसान हो जाएगा फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई, तो करंटली आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या आसान हुआ है आई वैल्यू एंड जे वैल्यू, तो करंटली आई का वैल्यू क्या 0 और जे का वैल्यू क्या 4, तो आई के प्लेस पर क्या जाएगा ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 में क्या स्टोर 10, 10 को अभी किस में जाएगा टी में। नेक्स्ट टाइम अब ए ऑफ आई मीन्स 0 इंडेक्स में क्या आसान हो जाएगा जस्ट वैल्यू ऑफ ए ऑफ जे, ए ऑफ जे मीन्स लास्ट एलिमेंट, तो ए ऑफ जे का वैल्यू क्या है 4, तो फोर्थ इंडेक्स में फाउंड करा 50, 50 किस में आसान हो जाएगा ए ऑफ 0, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है 0, ए ऑफ 0 के प्लेस पर क्या जाएगा जस्ट 50, लेकिन ये 10 आप इसको कोलैप्स कर चुके हो 10 अभी भी अवेलेबल के स्पेस पर इनसाइड थी, तो नेक्स्ट टाइम 10 किस में कॉपी होगा ए ऑफ 4 में, और ए ऑफ 4 किससे रिप्रेजेंट करो ए ऑफ जे से, 10 किस में स्टोर है टी में, तो इसलिए आसान क्या कराएंगे जस्ट टी, जस्ट बेसिक ऑपरेशन है जो कि आप ऑलरेडी मोस्टली परफॉर्म कर चुके हो, क्लियर। देन एवरी टाइम सारे एलिमेंट्स स्वैप हो जाए जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाए देन क्लोज इट, क्लियर। इस टाइप से रिवर्स ऑपरेशंस परफॉर्म कराना पॉसिबल है यूजिंग दिस यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिस प्लेस पर आपको किसी भी एरे के एलिमेंट्स रिवर्स कराने की जरूरत है उस प्लेस पर एवरी टाइम कॉल क्या कर लोगे रिवर्स फंक्शन वाइज सप्लाइड बाई बेस एड्रेस ऑफ एरे एंड साइज ऑफ एरे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस केस में एरे के सारे एलिमेंट रिवर्स न करा के आप सिंपली ओनली इंटरेस्टेड किस में हो रिवर्सिंग ओनली लास्ट 3 एलिमेंट, देन इस केस में फंक्शन कॉलिंग क्या रहेगा रिवर्स ए, मीन्स सबसे पहले किस इंडेक्स से रिवर्स करना स्टार्ट करो सेकंड इंडेक्स, तो इस प्लेस पर राइट क्या करो ए के प्लेस पर पास क्या करो ए प्लस 2 प्लस एरे का एक्चुअल लेंथ क्या है एन, लेकिन 2 एलिमेंट आप लेस कर चुके हो तो इसलिए पास क्या करो एन माइनस 2। इस केस में परफॉर्म क्या होंगे इस केस में रिवर्स ऑपरेशन ओनली किसके लिए अप्लाई हो कंप्लीट एरे और सम पार्ट ऑफ एरे, सम पार्ट ऑफ एरे और लास्ट एन माइनस 2 एलिमेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट वन, लेकिन कहीं ना कहीं ऑपरेशन को टेस्ट केस के थ्रू कराएं भाई यूजिंग मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में ऑलवेज सेम केस रिक्वायर्ड होंगे जो कि मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए। सबसे पहले प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होता है प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के स्टेप्स क्या थे प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो वेरिएबल कितने रिक्वायर्ड है एरे साइज ऑफ एरे एंड इटरेटिव वेरिएबल आई, इसलिए टोटल 3 डिक्लेरेशन प्रोवाइड किए। सेकेंड स्टेप क्या है रीडिंग इनपुट, इनपुट्स को रीड करने के रिस्पेक्ट में टोटल आपको 2 टाइप्स के इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले रीड करोगे लॉजिकल साइज ऑफ एरे देन एन आइटम्स ऑफ एरे, एरे के लिए कितने एलिमेंट्स रीड करेंगे एन, पहले एन का वैल्यू रीड होगा इसलिए इस पर्टिकुलर केस से रीड किया रहा वैल्यू ऑफ एन, सिंपल लॉजिक से इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लॉजिक से जस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ रीडिंग वैल्यूज फॉर एरे एलिमेंट्स, मीन्स इस केस में लूप कितनी बार चलाया एन टाइम्स, स्कैन एफ को कितनी बार चांस लिया एन टाइम, तो इनपुट्स भी कितने रीड होंगे एन एलिमेंट्स और स्टोर किस में जाएगा करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स्ड पोजिशन ऑफ गिवन एरे। नेक्स्ट टाइम थर्ड केस क्या था अप्लाइंग लॉजिक्स, या लॉजिक्स में डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर राइट ना करके लॉजिक्स को मैं कन्वर्ट क्रिएट करना चाहता हूँ एज अ रियूजेबल लॉजिक्स, रियूजेबल मीन्स अगर सेम लॉजिक आपको मल्टीपल टाइम्स रिक्वायर्ड है देन इनको रिपीट ना करके रियूज करना पॉसिबल हो बाई यूजिंग फंक्शन, इसलिए मैंने लॉजिक कंपुट की इनसाइड रिवर्स फंक्शन, जब भी आपको लॉजिक्स रिक्वायर्ड है तो लॉजिक के प्लेस पर जस्ट कॉल क्या कराया इस प्लेस पर रिवर्स फंक्शन। थर्ड केस और थर्ड स्टेप रिवर्स में पास क्या किया बेस एड्रेस ऑफ रिक्वायर्ड एरे एंड साइज ऑफ एरे, रिवर्स होने के जस्ट बाद देन फाइनली डिस्प्ले रिजल्ट्स और आउटपुट, इसके साथ रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए रिजल्ट में डिस्प्ले क्या कराना है रिवर्स्ड एलिमेंट और
एरे एलिमेंट आफ्टर अप्लाइंग रिवर्स ऑपरेशन, मीन्स रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपको चेक करना रियल में एरे के एलिमेंट रिवर्स हुए कि नहीं, तो इसके लिए जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, डिस्प्ले ऑल एरे एलिमेंट। तो लास्ट केस में जस्ट फॉर लूप से परफॉर्म क्या करा, डिस्प्ले ऑपरेशन। आप चाहो तो इसके लिए सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, समथिंग रीड देन इस प्लेस पर कॉल क्या कराते हैं, रीड फंक्शन। सेम है डिस्प्ले के केस में, सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं डिस्प्ले और मे बी प्रिंट। तो प्रिंट कैसे कराते हैं, इसके लिए डायरेक्ट में ऑलरेडी आपको प्रीवियस फंक्शंस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्लियर।